मैं इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हूँ और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत कोर्स का इनकार किया गया है जो 21 से आज तक काम कर रहा है और मैडम कुरतलैंड स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट बोर्ड के अंदर अपनी कृपा से नामी नहीं की है और कल ही उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक प्रेजेंटेशन भी दिया जो कोचेज आए हुए थे या इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर पूरे पाकिस्तान से उनके लिए इनसे पूछे हैं कि जो आपका इसमें स्पोर्ट साइकोलॉजी का जो एक्शन था इसको आप किस नज़र से देखती हैं और ये कितना लाजम है खासतौर पर ये खासतौर पर जो लीड कोचेज की ट्रेनिंग के लिए या और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए। जी मैडम, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो फील्ड है वो वेरी नोन नहीं है तमाम लोगों को, खिलाड़ियों को, कोचेज को, ट्रेनर को भी वन नहीं पता कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का स्पोर्ट्स के साथ कैसा लिंक है और किस तरह से आपको लिंक करना है। क्योंकि जहाँ पर एक बॉडी की ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पर एक माइंड की भी रिहर्सल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है जिसमें माइंड, बॉडी और आपकी स्पिरिट आती है और तीनों की एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं। तो मैंने कल के अपने लेक्चर में भी यही चीज़ें डिस्कस की, इमोशंस के बारे में, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में और आप किस तरह से अपने बिहेवियर्स को और एटीट्यूड को चेंज और मेंटेन कर सकते हैं, ये चीज़ें मैंने बताई। मैडम, एक सवाल और बनता है इसी से रिगार्डिंग आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कि अगर हमें खौफ किस चीज़ का होता है मसलन खिलाड़ियों को जो हम पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट करके भेजते हैं, अगर इनको ये फियर है कि हम परफॉर्मेंस में हमारी साइकोलॉजी फैक्टर आएगा ड्यूरिंग आपका कंपटीशन बड़ा इवेंट के जो इमोशंस मैंने कल देखे वो जो एथलेटिक कंडीशन से रिलेटेड जो इमोशन सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ कल की रिसर्च के मुताबिक वो ये था कि उनके अंदर कन्फ्यूजन का जो एलिमेंट है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। हमारा एथलीट यहाँ पर कन्फ्यूज रहता है आपका इवेंट स्टार्ट होने से पहले और उसके बाद उसको अगर वो हार गया है तो उसको ये खौफ होता है कि मेरे साथी, मेरे ट्रेनर्स, मेरे कोचेस, उनकी वजह से उनको ज़्यादा खौफ महसूस होता है। और हमारे ट्रेनर्स को ये बात समझनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपको जो आप जो गेम करवा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि उसमें हार जीत दोनों हो सकती है, दोनों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कोई पैगाम देना चाहें लीड कोचेस के लिए? तमाम कोचेस और ट्रेनर्स के लिए मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से उनको वेलकम करती हूँ। उनके लिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पर आकर और अपने प्रोफेशंस में भी आप इस तरह के लेक्चर्स, मोटिवेशनल लेक्चर्स रखवाएं ताकि आपके कोचेज, आपके ट्रेनर्स, आपके एथलीट जो हैं उनकी मेंटल रूप से ट्रेनिंग हो सके। और ये कोर्स जो कंडक्ट कराया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से, जी सर्विस, तो इस तरह के और होने चाहिए आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मेरा ख्याल है कि ये उनकी तरफ से ये पहली एक काविश है और मैं इसको बड़ा सराहती हूँ और इस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए। हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो आप सब लोगों को वेलकम करता है और स्पेशली कर्नल शबीर साहब जो है इनकी खिदमत मैं सराहती हूँ। थैंक यू मैडम, वी हैव ग्रेट टाइम विद यू और ब्यूटीफुल मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली पाकिस्तान सोशल मीडिया व्यूअर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।